चलें जी, बोतल जो है वो ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी बची हुई है। अब सुनाओ तबीयत का, ठीक है? हाँ चलें अल्लाह पाक। हाँ अस्सलाम वालेकुम इकरा, इतना सोनी लग दी खनी। माशाल्लाह जी इकरा देखें कितना प्यारी लग रही है, इसने ना कुछ लगाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआएं हैं, हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी हम जो है जा रहे थे हॉस्पिटल, थोड़ा सा चेक करवाना था हमने तबीयत समीना की, तो इंशाल्लाह फिर वापस आते हैं, आप सबको भी मिलवाते हैं, और आगे से व्लॉग जो है ना नेक्स्ट आगे भी शेयर करेंगे ना इंशाल्लाह साथ साथ। तो हाँ जी यार, हम आपने खुम्बियाँ क्यों तोड़ी हैं सारी अल्लाह के बंदे? हाँ क्या हो गई थी? ख़राब हो गई थी? तो ये बारिश की वजह से ना जो भी ऊपर से पानी आया है ना वो सारा इधर तूड़ी के अंदर चला गया है, तो उधर से कुत्ता भी आता है, वो उसने भी कुछ तूड़ी ख़राब की है काफ़ी सारी। तो बच्चे आए थे पहले मेहमान, वो भी ऊपर चढ़ गए थे, सारी तूड़ी उन्होंने भी जो ना ख़राब कर दी थी यहाँ ऊपर चढ़ के ना, तो इसलिए ना इसके अंदर पानी अब चला जाता है। तो खैर शुक्र अल्लाह का अब मौसम कुछ सही तो है, अल्लाह पाक करम करे आगे बारिशें जो है वो ना आए। हाँ हाँ वो ये पानी गया है ना अंदर, इसलिए ये तूड़ी काली हो गई है। जो तूड़ी काली हो जाती है ना फिर वो बैल भी नहीं खाते, इतना मतलब ये शरारती होते हैं, कहते हैं हमें साफ़ सुथरी चीज़ चाहिए, वो कहते हैं तुम लोग तो खाते हो साफ़ सुथरी, हमें क्यों नहीं देते। तो ये थोड़ा सा चारा बचा हुआ है, तो दो बार मैंने इनको डाल दिया। ये जो है ना ये जो लाल है ना ये हाथ भी नहीं लगाने देता, इतना खरपटी है। तो अभी दो बार डाला है इनको, तीसरी बार इंशाल्लाह डालेंगे इनको। तो ये देखें जो हमने इसकी लिपाई की थी ना वो इस जगह के ऊपर थी, इस जगह के ऊपर। जब बारिशें हुई है ना ये बैठते 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 यहाँ तक पहुँच चुका है, देखें इधर से इधर लिपाई थी अब यहाँ पे पहुँच चुका है। ऊपर भी देखें, वो देखें ये जो यहाँ पे आपको मिट्टी नज़र आ रही है ना ऊपर ऊपर, इस जगह के ऊपर जो है लिपाई हमने की थी, अब देखें कितना नीचे बैठ चुका है। और वो देखें वो दो नीमें जो है ना वो लगी हुई हैं, एक ये और एक वो, इन दोनों नीमों को हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ बाहर सहन के अंदर इन नीमों को जो है ना हम उगाएंगे, तो ये बहुत ही प्यारी बन जाएंगी इंशाल्लाह। आ जाओ फिर समीना, समीना उठो फिर चले, आराम को छोड़ते हैं। हाँ इधर हसन के घर जाएगा। हाँ लड़ना नहीं है आपने, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ पड़ते हो अल्लाह के बंदे, खेलते भी इकट्ठे हो फिर लड़ते भी इकट्ठे हो। हम आ जाते हैं चेकअप करवा के, सिर्फ आई समझ इतना क्या करो, दिमाग खराब है फिर लेने कौन जाएगा उधर से आपको। मैं तो कहता हूँ आप घर में रहो, ठीक है? हम 10 मिनट में आ जाते हैं वापस, सिर्फ हमने चेक करवाना है, ठीक है? तो हमने जो है तबीयत चेक करवानी है, तो अल्लाह पाक खैर करे, आप सब ने दुआ करनी है। तो वापस आएंगे फिर इस गबरू जवान को जो है लेंगे वापस, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम इकरा, इतना सोनी लग दी खनी। माशाल्लाह जी इकरा देखें कितना प्यारी लग रही है, इसने ना कुछ लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है? चुक्की लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है? हाँ इसने सारे मुंह पे अट्टा लगा दिया, ये देखें अट्टा है या पाउडर है? पाउडर है। हाँ इकरा, ओ इकरी हाँ उतर देखो ते क्या लगी बती है, हाथ भी सारे खराब की थी बती, देख हाथों को सारा पाउडर लाई, पाउडर लगा दिया हाथों को। हाँ वो इसने भी लगाया होगा, ये देखें दोनों बहन भाइयों ने ना पाउडर लगाया है चेहरे पे और हाथों पे। हाँ मुंह पे लगाया है ना लगाया करो ना, बंदा गंदा हो जाता है फिर पाउडर लगाने से, ठीक है? चीते भी लाती। अच्छा मैंने हालांकि ये तीनों बैल जो है वो नए लिए हैं, दो बैल जो है ना हमारी यूके से हमारी अम्मी जान है उनके हैं कुर्बानी के लिए, और एक हमारी और बहन है रावलपिंडी से हैं वैसे तो, लेकिन वो रहती रहती मेरे ख्याल में अमेरिका हैं, तो एक जो है ना ये उनका है।
तो यकीन करें मुझे इनसे इतना प्यार और लगन हो गया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं आता हूँ ना इनसे बहुत ही, मतलब इनसे प्यार मोहब्बत, मेरा दिल करता है मैं इनको किस भी करूँ। यकीन करें मैं कहता हूँ इनसे ना ऐसे चिपट चिपक के जो है मैं इनसे बैठूँ। तो मैं इनको है ना, मैंने बड़ा प्यार से रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना कुर्बानी के लिए हैं, तो फिर जो है ना इसलिए मैं इनको बड़ा ही प्यार करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा चारा इनका बचा हुआ है, ये जूँ ही खा लेंगे ना, फिर घंटे 2 घंटे के बाद इनको फिर दोबारा और बनाया मिला के डालेंगे चारा, क्योंकि ये जब बैठते हैं ना फिर उगल वटते रहते हैं, मतलब जो खाया हुआ चारा होता है ना वो दोबारा निकालते हैं और फिर उसको चबाते हैं, चबा के दोबारा ले जाते हैं। छोटा छोटा जो इसका इनका होता है ना उजड़ी, छोटी उजड़ी होती है उसमें ले जाते हैं, तो वैसे ये खाते खाते बड़ी उजड़ी में डालते रहते हैं, तो फिर बारीक करके फिर छोटी में डालते हैं। तो अभी हमारी तैयारी जो है वो हो चुकी है अलहम्दुलिल्लाह शहर जाने की। हमने जब चेकअप करवाना था डॉक्टर से, तो जो ही वो चेकअप करवाएंगे वो बताएंगे आपको। और ये अरहम जो है, मैं ना वहाँ बैठा हुआ था, इसने नीचे हाथ रखा हुआ था मुझे पता नहीं चला, मैं ऊपर उठा ना इसके हाथ बैठ गया, हालांकि इतना इसको ज़ोर नहीं आया, इतना रो रहा था शदीद, इसको फिर मैं चुप करवाया। हाँ भाई ये गुस्से है, कहता है कि मेरे साथ ना बोलो। बोले या ना बोले? हाँ अरहम, ये पंखा भी हमारा चल रहा है साथ साथ ऐसा ऐसा से। हाँ जी तैयारी हो गई? ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम जितने बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से, अल्लाह शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआएं हमारे घर जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा तो इसकी आमीन। दुआ दवाई जो है वो ना रख के जाते हैं एक साइड पे, शाम को इसको पिलाएंगे फिर। हाँ पड़ी रहें चार पाई के ऊपर इधर, सारे शॉपर फाड़ के रखते हैं, पास सुनो ना इसको यहाँ रख दो ना, कोई बात नहीं। शॉपर में डाल के रखते हैं। अच्छा, सोया हुआ देखें नखरे बाद, जूते ऊपर पहन के चलो ना होता है, जूते ऊपर नहीं पहनते। चलो आप ताला तो लगाओ, इसने भी चलना है साथ? हाँ। ना चले मैं आप तो भी कहता हूँ, करेंगे साथ आपस में, चलो चलो ठीक चलो है। मैं उठवा रहा हूँ, फिर आ जाओ अरहम। मैं कहता हूँ दूसरा मोबाइल ना वो दे दें मामू वालों के घर, वहाँ चार्ज लगा दें, फिर वापसी पे उठा लेंगे, क्या ख्याल है? हाँ क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं है ना, यहाँ हम प्लेटों पे थोड़ा सा जना गुजारा करते हैं, वैसे मदरसे की प्लेटें हैं, लेकिन हम जो है शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हब्बस हो जाती है, फिर हम जो है ना वो चला लेती हैं थोड़ा सा इनको ना प्लेटों को। अभी ये डायरेक्ट चल रहा है, ये देखें डायरेक्ट चल रहा है, बैटरी को हम नहीं यूज़ कर रहे, वो बच्चे जो आते हैं ना मदरसे के उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी, तो वो बच्चे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी आते हैं हमारे पास, तो इसलिए ना 2 पंखे चलाने होते हैं, एक ये पंखा भी चला देते हैं, एक वो छत वाला पंखा भी चला देते हैं हम। तो इंशाल्लाह जब छत हमारी जो है ना वो डल जाएगी ना दूसरी टीयर गार्डर वाली, तो हम फिर इस तरह के जो है ना वो मोटरें ले लेंगे, छत के जो गार्डर होते हैं ना उनके साथ हम फिक्स कर लेंगे उनको, तो ये हमारे यही हमारे पंखे छत वाले पंखे बन जाएंगे, क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ इन्हीं पंखों को जो है ना, एक पंखा ये हो गया हो जाएगा, एक पंखा हमारा वो जो हो जाएगा, और एक पंखा जो घर वाला है ना, एक पंखा हम वो उतार लाएंगे, तो 3 पंखे जो है ना वो यहाँ लगा देंगे, छत भी ऊंची हो जाएगी ना, कुछ छत हम ऊंची करवाएंगे, क्योंकि ये जो अभी छत जो है ना डली हुई बिल्कुल नीचे नीची है मतलब, तो इसलिए ना हम जो नई छत डलवाएंगे ना टीयर गार्डर वाली, तो उधर से भी हम लगवाएंगे ईंटें, इधर से भी हम ईंटें लगवाएंगे, इन पिलरों को भी ऊंचा करवाएंगे, और जो बैक वाली दीवार है ना इसको भी हम बंद करेंगे, ये खाने जो है ना इनको हम बंद करेंगे और इसको उनको ऊंचा करेंगे कुछ, तब जा कर ना ये बरामदा हमारा मदरसा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये अब सर्दियां आ रही हैं ना, हाँ सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए कवर भी करना है ना हमने इसको इसको, फिर बंद कर देंगे, फिर सारा बंद हो जाएगा, सामने से ये आ जाएंगे। सामने से जो छिके आ जाएंगे तो फिर बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि आगे सर्दियों में भी साफ ज़रा पढ़ेंगे ना तो फिर उसमें जो है ना वो इजी होकर बैठेंगे। हाँ तो ये फिर उठाएं मोबाइल या पड़ा रहे, लगाना या नहीं लगाना चार्जर? देख लो आप, सुबह लगाना, अब क्या फिर उधर जाए, फिर उधर जाए। इसकी भी ये बंद पड़ा हुआ है, इसको चार्ज लगाएंगे शाम को, वीडियो नहीं डालेंगे? अच्छा मैं कहता हूँ चाचा जुगू के घर लगा दें, फिर वापसी पे लेते आएंगे, क्या ख्याल है? साथ ही है, हाँ मामी को दे देते हैं वो लगा देगी। चलो उठाओ उठाओ फिर, वो अपनी रसीद भी उठा लो ना डॉक्टर वाली, उठानी है ना वो, ये ये लो। बै अब रखा जेब में रख लो इसको ना, अच्छा उठाओ रसीद उठाओ, कहाँ पे रसीद? ये
ये इसने यहाँ थैलियाँ बनाई हुई हैं। मेरी बात सुनो, वो देखो वो शापर पड़ा हुआ है नीला, साफ सुथरा शापर है ये वाला, इसमें डाल लो। ये एक लेके जानी है, पीछे सारी फट्टी हुई है, सारी चारों तरफ आपने इसको गांठें लगाई हुई हैं, गंदी गंदी लगती है ना। बस एक ही लेके जानी है। चलो आ जाओ फिर, चलो वे नवाब ज़ादे उठ जाओ। ओ नवाब ज़ादे उठो फिर, अब नखरे देखो इसके, नखरे चेक करो, हम चले जाएंगे फिर, यहाँ बैठे रहना ठीक है। अभी हम पहुँच चुके हैं जी, एक लेडी डॉक्टर हैं ये, गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनके पास, तो अभी हम इधर से जो चेकअप करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो है ना, मतलब हम जो है ना अभी केयर कर रहे हैं समीना की सेहत के को लेके। तो आप सब अक्सर कहती हैं कि जी सफाई, घर की सफाई वगैरह नहीं होती, ये है वो है, तो इस तरह से ना मतलब बात यह है कि कुछ समीना की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो जिसकी वजह से कुछ ही घर की तरफ जो तवज्जो नहीं दे पा रही। तो इंशाल्लाह बाकी कुछ ही दिन है, इंशाल्लाह जो ही वो उसकी तबीयत ठीक होगी ना, फिर हम जो है ना तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, वो भी साथ देगी। अभी जो है ना वो कुछ कंफ्यूज वगैरह होती है और परेशान होती है, जिसकी वजह से कुछ नहीं बन पाता सिस्टम। आज भी उसको जो है वो पेट में कुछ दर्द हो रहा था, तो हमने जो है सोचा कि चले चेकअप करवा लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से। तो यही हैं डॉक्टर हमारी फातिमा, जिससे हम शुरू से ही दवाई ले रही हैं, तो हमने और किसी से भी नहीं मतलब चेकअप करवाया। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो यूरिनरी इन्फेक्शन था समीना को पहले, तो उसी का जो है पेन होता था, अब जो है अब भी उम्मीद है अल्लाह पाक करे कि उसी का पेन हो और कोई इशू ना हो। तो आप सबने भी दुआ करनी है अल्लाह पाक करे कि जो भी मसला है वो मतलब ठीक हो जाए, छोटा मोटा हो ठीक हो जाए और कोई बड़ा इशू ना हो। आप सब ने जो है दुआ करनी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे जाकर आपको हम खुशखबरी भी सुनवाएंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में। तो आप सब ने हमारे साथ रहना और हमें प्यार दिखाना, सपोर्ट करनी है हमें। वाह भाई यार, हम तो मज़े कर रहा है जूस के, हैं ख़त्म हो गया। यार अल्लाह के बंदे, स्ट्रा से ना पीते ना आप, अभी तक ख़त्म हो जाती स्ट्रा से, आई समझ, आपने स्ट्रा यूज़ ही नहीं की अल्लाह के बंदे। और ये खाए थे आपने फ्रूट केक, हाँ आपकी आपकी आप अम्मी आपकी अम्मी को ड्रिप लगनी थी, वो उसने नहीं खाया, आपने खा लिए सारे, उसने खाए हैं, जूस पिया उसने। हाँ क्योंकि सुबह से ना हमने नाश्ता किया हुआ, उसके बाद रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाई हमने, क्योंकि समीना की तबीयत ख़राब थी, फिर हमने जो है ना वो मतलब खाना वगैरह बनाया ही नहीं है। अभी जो है बाज़ार आए थे चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि जी ड्रिप लगेगी, तो फिर जो है ना हमने कहा जिस्म का पानी उसने कहा जो ख़त्म हो गया समीना का, तो फिर हमने जो है ना उसको मैंने जूस लेके दिया और ये जो है ना फ्रूट केक लेके दिए, हमने कहा चलो ये खा लो, क्योंकि खाली पेट जो है ना वो ड्रिप नहीं लगती। तो अब वो मैंने भी दो लिए थे, एक जूस इसके लिए, एक जूस है समीना के लिए। तो इसने कहा, इसने अपना जूस पिया और समीना ने अपना जूस पिया और फिर फ्रूट केक भी खाए मिल के इन्होंने, हैं मज़ा आया फिर फ्रूट केक का। हाँ हाँ ओके, चलें जी, बोतल जो है वो ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी बची हुई है, ये देखें चल रही है। और अभी जो है ये इधर मैंने पकड़ा हुआ है इसको। ये ना ड्रिप इस बाजी ने ना ऐसी लगाई है ना नर्स ने, कि टेपें इसने सही नहीं लगाई और मुझे उसने कहा कि यहाँ पे ना भाई पकड़ के बैठें, इसको पकड़ के बैठो तो ये चलती है, अगर पकड़ के ना बैठें तो ये रुक जाती है। तो ऐसा ऐसा होता है। अब सुनाओ तबीयत का ठीक है? हाँ चल रहे अल्लाह पाक। हाँ अब तो उसने कहा कि 15 दिन के बाद ड्रिप लगेगी। हाँ। कितना ड्रिपें लगेंगी फिर तो। यार बात करने दिया करो, चुप कर जाया करो, कार है बाहर। दो ड्रिपें मतलब एक ही? अच्छा फिर एक एक मंथ बाद। अच्छा मतलब अभी एक लग चुकी है, 15 दिन बाद एक और लगेगी, मंथ पूरा हो जाएगा उसके बाद, एक एक महीने के बाद। अच्छा अच्छा चलें, अल्लाह पाक करे कि आपकी सेहत जो उठे सही रहे। तो
तो दूसरा तकरीबन कल रात आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी है ना, और मुझे भी बाई चांस मुझे ना नींद ही नहीं आई, तकरीबन 12 बजे 1 बजे सोया हूँ मैं, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है। रात ज़्यादा थी आपकी, पहले कम होती थी ना, इस रात जो है ना जो रात गुजरी है उस रात में ज़्यादा थी। क्योंकि माशाल्लाह सेन आपको पता है काफी बड़ा है, चलते चलते फिर सामान वगैरह उठाना, पत्थर उठाना, खाना वगैरह बिल्डिंग बनाना, वो भी काफी फिर हमारा वो है जानवर है, फिर उनके नीचे भी सफाई करना। जानवरों का तो मैंने आपको कई बार रोका है कि आप ना किया करो, मैं कर लेता हूँ। सुबह से भूखा बैठा है अभी मैं गया हूँ बोतल पी के लाया आया हूँ। अरे मुझे कहता काम करते ये, मैंने सुबह का नाश्ता बनाया, तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह का नाश्ता इसने किया है। हाँ सुबह से तबीयत ठीक थी ना, मैंने बनाया, मुझे कह रहा था मुझे भूखा मारूंगी, फिर कहते काम भी ना करो और फिर मुझे ताने भी मारता भूखा मारूंगी। चलो कोई बात नहीं यार, ना किया करो, मैं कहता हूँ आपके सेहत से बेहतर मुझे और कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह दो तीन मंथ ना किसी को हम घर में रख लेंगे, वैसे मामू की बेटी करती थी, मैंने चले अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक करे के क्या है मकोड़े आपने कभी नहीं देखे? आपके ऊपर चढ़ा हुआ था ना, कहते हैं अम्मी के ऊपर चढ़ा हुआ था। चले अभी फास्ट फास्ट चल रही है ड्रिप, मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है ना इस वजह से, अगर हाथ ना रखूँ ना। हाँ ये देखें छोटा सा पंखा है, अच्छी हवा आ रही है इसकी। ये सरकारी इनको क्वार्टर मिलते हैं ना? हाँ ये गवर्नमेंट का क्वार्टर है वैसे तो, सरकारी अस्पताल है, इसके अंदर ही क्लिनिक बाजी ने खोला हुआ है, फातिमा बाजी है हमारी, इनके बोर्ड वगैरह मैं लिख के गया था, बाहर जो लिखे हुए हैं ना बोर्ड, इनके नाम वगैरह ये मैंने लिखे थे, इनका हस्बैंड है रहमान, उसने मुझसे लिखवाए थे। अभी बोतल ख़त्म होने वाली है, काफ़ी देर हो गई है, 2 घंटे हो चुके हैं। ये इसने यहाँ पे बाजू रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जोर दिया हुआ है ऊपर। हाँ टेप इनके पास ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल में, इसलिए ना ये ऐसे लगी हुई है। काफ़ी टाइम हम पहले आए थे, अभी इशा का टाइम हो चुका है, देखें अंधेरा है फुल, कितना मतलब पहले आए थे हम। दिखाओ, अरे हम आप पीछे बैठो यार, अभी ना अंधेरा हो चुका है, खड़ी रहने दो इसको। अभी देखते हैं जी दवाई ये कौन कौन सी है, ये सिरप है ना जो पहले हमने लिया था, और ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम वापस आ चुके हैं और ड्रिप जो है वो हमने लगवा ली थी, तो पिछली बार भी यही कुछ हुआ था और ड्रिप जो है हमने लगवाई थी, तब जाकर तकरीबन 1 महीना तक इसकी सही रही थी, उसके बाद भी हमने जो है ना वो दवाई वगैरह हम हर महीने चेकअप करवाते हैं, तो उसके बाद जो है ना आज हम गए तो उन्होंने जो है ना वो कहा कि जी ड्रिप लगेगी और हर 15 दिन के बाद लगेगी, तो आज लगी है, फिर 15 दिन के बाद एक और लगेगी, फिर 15 दिन के बाद ड्रिप लगेगी, फिर महीने के बाद एक और लगेगी, फिर महीने के बाद एक और लगेगी, मतलब 4 ड्रिपें उन्होंने बताई हैं वो लगेंगी, 4 ड्रिपें। दिखाओ किधर गया वो सूजी, ना सूजी रखनी है ना, एक तो सूजी रखनी है, ये मिलाज शरीफ था हमारे घर जो बाजी आती है ना मदरसे में पढ़ाने के लिए, ये आज हाँ घी है इसके अंदर, हाँ जी यकम नहीं थी मेरे ख्याल में, आज 2-3 है, हाँ वो चांद चांद नज़र आ गया है ना, तो पहले उसने यहाँ पे लगाया ड्रिप ना, हाँ तो यहाँ पे फिर उसने ऐसे खींच के, इसको वैसे भी तमीज नहीं है इस लड़की को, वो पता नहीं अभी ऐसे उसने किया था, अब ये कहती है रगे नहीं है, अब रगे नहीं है, ये देखो कितना मोटी मोटी रगे हैं, यहाँ पे ना बेल्ट लगाना चाहिए था उसको, फिर आपको कहना चाहिए था कि हाथ ऐसे बंद करो, हाँ देखो कितना उभरी हुई है रगे, ये देखें अंधा भी है यहाँ पे लगा लेगा ड्रिप
अंधा ड्रिप कैसे लगाएगा? खींच के निकाला, फिर उसने एक और यहाँ पे, ये वाला इसने दर्द नहीं किया, डॉक्टर ने लगाई थी, ये जो है ना नर्स ने लगाई थी। अच्छा, फिर उसको लगाना नहीं आई नर्स को? अच्छा दो, मुझे रख दूँ जल्दी जल्दी मैं। और क्या पानी भर के देना है आपको? दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं? इसको कहाँ रखनी है? देखो मेरा शेड जो है ये काम आ रहा है ना। हाँ, उस वक्त कह रही थी कि ना बनाओ, ये है वो है। यहाँ पे मैंने बनाया था लाल टेंट रखने के लिए, लेकिन अब देखें खाना शाना हम यहाँ पे रख देते हैं, अपनी जो सालन होता है ना वो हम यहाँ रख देते हैं। अंदर का सामान है कोई? नहीं है। चलो इसको तो लग गई कुंडी। हाँ वो यहाँ इसके ना ये खड़ी हैं। हाँ ये पिला दो पल के, ये लो इसको दवाइयाँ पिला दो। टिम देखो कैसे हुआ हुआ है। सारी रात इसने हमें भी जलील किया और खुद भी जलील हुआ। चलो ये शापर निकाल देती है इसने। मैंने शापर मैंने रखा था ऊपर, गत्ता जो है। अच्छा आपको पानी चाहिए? हाँ। बस पानी और वो दवाई, गिलास वो दो। दवाइयाँ आपके पास नहीं थी, वो किधर रखी हैं फिर? उधर खड़ी हैं। वो जो ओरग्लो टैबलेट थी वो कहाँ है? ओरग्लो देखते हैं शापर में हुआ तो दर्द नहीं। पिछले महीने ना हमने ओरग्लो ली थी लेकिन इसने इस्तेमाल नहीं की, तो वो जो है ना हमारे पास बची पड़ी है। तो अब जो डॉक्टर ने वही ओरग्लो लिख के दी है, तो हमने जो है ना वो ओरग्लो अभी वही पुरानी वाले इस्तेमाल करनी है, नई हम नहीं लेके आए। यहाँ पे तो कहीं नहीं पड़ी यार, आपके पास तो थी दवाइयाँ। कोई हाल नहीं है, मुझे ढूंढवाओगी ये तो। वो तो नहीं पड़ी वो नीले छापर में? हाँ ये देखें। हाँ जो अभी लेके आए हैं वो ये नहीं है? यही है ना अभी वाली, तो ये है दूसरी तो कौन सी पड़ी? दूसरी भी यहाँ किसी पावे के साथ खड़ी होगी, ये खड़ी है मेरे ख्याल में, ये यही है ना, ये ब्लड प्रेशर की और लोप्रेन यही नहीं है? इसमें और ग्लो तो नहीं है, इसमें तो नहीं पड़ी वो मेरे ख्याल में। यहाँ पे नीचे कोई यहाँ रुल रही थी। सही बात। हाँ मैंने देखी थी यहाँ पे नीचे पड़ी हुई थी कहीं पे नीचे। अच्छा चले अभी ये फिलहाल ना एक चले फिर बहन भाई, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।